प्लेयर गेमिंग को हम एंट्री नहीं देंगे। अपना नेम चेंज करो प्लेयर गेमिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। हरी बॉट 20 kg ऑफ राइस एट द रेट ₹36 पर केजी और 25 kg ऑफ राइस एट 32 पर केजी। ही मिक्स द टू वैरायटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट दिस वन ₹38 पर केजी। फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट। बहुत ही अच्छा, ये अक्सर ये आयुष शुक्ला डोंट ट्राई टू रिप्रेजेंट। आयुष शुक्ला अंकिता शुक्ला, ये क्या कर रहे हो आप लोग? थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। वी आर हैविंग अ टू वैरायटीज ऑफ राइस। वैरायटी ए एंड वैरायटी बी दे आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ वैरायटी ए बी। Is that clear? You understand हो रहा? Now, there is a question. So, we are having this one 20 kg and relatively quantity weight 36 rupees per kg and we are having a 25 kg at the rate of rupees 20. So when these two are combined, this total will become a 45 kg. Okay, so now it is asked you to find at what yes, find his gain or loss percent if he sold it at 38 rupees per kg. So this is your question. है ना, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट द क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सब लोग आ जाओ भाई जल्दी से। पहले क्लियर गेमिंग भी आप अपना नाम बदल दीजिए, अदरवाइज फ्रॉम टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू इन क्लास। पहचान नहीं पाते आप कौन है, अपना नाम लिखिए ना, मेरे पता रहना चाहिए ना कि हु आर यू। अच्छा, ये अतुल तिवारी। अतुल तिवारी बिल्कुल अपना नेम चेंज करिए। चुनाव इट इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा सभी लोग। ओके, जस्ट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन सेज। जब तक तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी आर हैविंग, अब इनकी शॉपकीपर अक्सर ये करते हैं कि दो वैरायटीज को मिक्स करके एक नया वैरायटी बना देते हैं और आपको नए रेट पे दे देते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि शॉपकीपर ने क्या था, 20 kg जो है ये बहुत, दैट इज अ राइस ऑफ 36 रुपीज पर केजी, तो अच्छा क्वालिटी लाया। 25 kg ही बॉट फॉर, दैट इज कितना, 32 रुपीज का लाया। दोनों को मिक्स कर दिया, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो 20 + 25 दैट इज बिकम्स अ 45। इज दैट क्लियर? ये तो एकदम क्लियर है। अभी जो उन्होंने उसको नया जो मिक्सचर हुआ उसको उन्होंने ₹38 पर केजी से रेट से बेच दिया है। ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 36 32 लाया है, 38 में बेचा है, तो ओवरऑल उनको प्रॉफिट होना ही होना है। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम लोग ट्राई अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम लोग कर, देखिए ये क्या था कॉस्ट पार्ट, क्योंकि ये अमाउंट जो है शॉपकीपर ने पे किया है, ये वन अमाउंट है शॉपकीपर को मिला हुआ है। ठीक है ना, तो हमारा सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा और कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस बोल किसके बराबर होगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस टू यानी प्रोडक्ट का प्राइस टू, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट निकालेंगे तभी तो आपने जो है 20 kg जो है वो 36 के रेट से परचेस किया, देन हाउ मच अमाउंट वी आर गोइंग टू पे, 36 = 72।
rupees 72. Here, how much we are going to pay? 25 times of 50. 5 will be there. 25 times of 75. 75 plus 5, that is 80. So total CP, total cost price will be your 720 plus 800. So that is equals to how much? 1520. Understand? ये हिसाब किताब है, जिसे कहते हैं हिसाब किताब का नाम। Now अब यहाँ पे cost कितना होगा? अभी ये जो भी मतलब जो आदमी खरीदेगा वो कितना pay करेगा? So let's see, multiply कर लीजिए 45 into 38, so 38 into 45, 5 is a so total selling price. Is that? बिल्कुल बता रहे हैं। ये जो थर्ड लाइन कह रहे हैं कॉस्ट, आप जाते हैं मार्केट में, पूछते हैं अंकल से, अंकल ये पेन कितने का दिए? तो अंकल बोलते हैं 10 रुपीस का दिया। अंकल मेरे को 5 पेन दे दीजिए, तो आप कितना पे कर दें? 5 इंटू 10, यानी यू हैव परचेज, यू हैव टेकन द 5 क्वांटिटीज, आपने क्वांटिटी कितना लिया 5, रेट कितना था 10, तो कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट मतलब होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू पे, आपने जो लिया आप उसको कितना पे करेंगे, दैट इज सेड टू बी अ कॉस्ट। रेट क्या होता है? एक यूनिट क्वांटिटी का जो प्राइस होगा, दैट इज सेड टू बी अ रेट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट एंड कॉस्ट। ठीक है, रेट और कॉस्ट में ये अंतर होता है। रेट क्या है? एक यूनिट के लिए होता है। अब कॉस्ट क्या होता है? आपने क्या खरीदा उसके लिए, तो आपने 20 केजी का खरीदा, तो 20 केजी के लिए आपके पास 720 रुपीस। एंड हियर अगर आपने 32 की रेट से जो है 25 के लिए परचेस कर लिया, तो 800, तो आपने कितना पे किया? 720 प्लस 800, दैट इज 1520। तो हमारे पॉकेट से कितना गया? 1520 रुपीस। क्लियर? निवेश, निवेश से समझ में आया चीज? ऐसा होता है कॉन्सेप्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू पे, आप क्या पे करने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 710। सो अब किसी अगर शॉपकीपर ने जो है 45 केजी राइस को 38 के रेट से बेच दिया, तो हाउ मच ही गॉट बैक? उसको कितना मिला? उसको 1710 रुपीस। सो दैट विल बी योर, दैट इज अ कॉल्ड अ सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस विल बी 1710। क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ सी हियर, अब ऑब्वियसली यहां पर क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है ना? इसको प्रॉफिट तो हो रहा है, इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि प्रॉफिट ही हो रहा है। And that profit is equals to किसके बराबर है? Profit is equals to SP minus CP 710 minus 1520. So that is equals to how much? 00 11 minus 2, that will be your 9. Then 6 minus 5, that will be 1. 190 rupees का profit था। So profit percent भी calculate करना पड़ेगा। So 190 upon CP हमेशा रहता है नीचे। So this one into 100, this what is it? अब आप सोच सकते हैं, है ना? Voice is not clear. Sir, clear. Clear है ना? से डरा दे तो आप लोग, मैं तो डर जाता हूँ। ठीक है, सो बिल्कुल कट कर दीजिए यहाँ पे। सो 19 एट्स का, सो दैट विल बी योर हाउ मच? 100 अपॉन 8, सो वी कैन से सीधा जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा 50 अपॉन 25 अपॉन 2%, और वी कैन से 12.5%। Is that clear? समझ में आया सभी को? कहीं पे किसी को डाउट लग रहा है प्लीज? इन द एडमिशन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड द लाइन सेगमेंट ए एंड सी एज बाइसेक्ट द एंगल ए एंड सी रिस्पेक्टिवली, सो दैट
हाँ ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ना ये इसका। ठीक है प्राची, ये आपका पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, बता देते। आपको जरूरी नहीं कि क्वेश्चन को वन बाय वन ऐसे सॉल्व किया जाए, आप इसको क्वेश्चन का ऐसा टेबलर डायग्राम बना कर भी सॉल्व कर सकते हैं। इट मेक्स यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, है ना, आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा है। आपने दो वराइटीज का राइस लिए थे, उसको मिक्स किया, आपने नया वराइटी बनाया, है ना, लिया है वो आपका कॉस्ट प्राइस है, जो आपने मना के अब बेचना है वो आपका सेलिंग प्राइस है, उसको टोटल सीपी टोटल एसपी ऐसे करके आप उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ऐसे इजीली सॉल्व करेंगे। Now the next one. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कॉफी कॉस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे कॉफी में भी जो है मिलावट होगी, तो वी आर हैविंग कॉफी एंड वी आर हैविंग कोरी, बिल्कुल कॉफी जैसा दिखेगा, उसकी रेसिंग की जाएगी, ठीक है ना, किस तरीके से यहाँ पे मिक्सिंग की जाती है दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो कॉफी विल बी कॉफी कॉस्टिंग ₹250 per kg वाज मिक्स्ड विद द टी बॉडी कॉस्टिंग ₹75 per kg इन द रेशियो 5:2। सो लेट 5:2 के रेशियो में, तो सपोज के लिए हमने इसको 5x kg दिया क्वांटिटी। अब देखिए सेम वैसे क्वेश्चन, क्वांटिटी रेट कॉस्ट, कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू रेट, ये बिल्कुल याद कर लीजिए कि कॉस्ट जो है वो किसके बराबर होता है, रेट इनटू क्वांटिटी, ये सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आता है, दिख ही नहीं रहा होगा, है ना, एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए दिखा, सर वॉइस इज नॉट क्लियर, ऑब्वियसली मेरा आवाज सही नहीं आ रहा क्या? सर क्लियर। ओके चलिए ठीक है, क्लियर है तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये टेबल हमने बनाया, वी आर हैविंग टू थिंग्स, अब यहां पर हमने क्या किया, 5x kg ये दिया है, तो 2x kg हमें रिकॉर्ड दिया है, टेकन देन इन द रेशियो 5:2, इसका रेट कितना है, ₹250 per kg, इसका प्राइस कितना है ₹75 per kg। देखिए दुकानदार इसका मिक्स करते हैं, अब इसको मिक्स किया तो हमें क्या है, नया मिक्स पाउडर मिल गया, कॉफी प्लस गोली का पाउडर मिल गया, अब हम इसको बेचेंगे, तो ऑब्वियसली कितना आएगा, दैट विल बी 7x kg, दोनों को मिलाने पे 7x kg। इफ द मिक्सचर वाज सोल्ड एट ₹230, हमने सस्ते में सोल्ड किया ₹230 per kg। इज दैट क्लियर? यस। Clear this one. So now what we are going to do? Find the gain or loss portion. Sikchan, please. Kon?
Okay, so let's find out the cost. First of all, let's find the cost. So, cost will be what? That is 25 into 5, that is 125, that is x. This will be your cost. Here, cost will be your 2x. So, this will be your 75 into 150x. Okay, and here it will be how much? That is 7007321 to carry 7014 14 to 16 16. So total CP कितना हो जाएगा? That is 1250x plus 150x. So that is equals to how much? 1300 1400. Okay. Total FP 1610x. Obviously profit हुआ है हमें. Yes. Yes. Screen अगर आप represent करेंगे तो obviously इसका loss कहाँ पे जाएगा? Video recording पे. आपको वहाँ पे video पे आपकी screen दिखेगी, आपको question दिखेगा. ये इतना बोलेंगे तो YouTube में आपने डाला तो दिखेगी आप. Yes, so please वहाँ पे अपना आपको represent करिए. Now we can see यहाँ पे profit, how much profit we want. Question में दिया हुआ है कि that is overall. So find the gain or loss for gain. Loss for gain तो हुआ है ना, कितना gain हुआ है, calculate कर लेते. So gain is equals to SP minus CP, 1610x minus 1400x minus किया, that will give you how much? 210x. Same question है, same. Then gain percent is equals to, that is gain upon, that is CP into 100%. X cancel, 0 to 0 cancel, either say for 0 cancel. 7 to the 14, 7 to the 21, 2 5 to the 10, 5 to the 15%. Is that clear? So answer will be your 15%. समझ में आया? Same question करेंगे, same strategy होंगे, same methodology होंगे. अगर quantity, rate and cost, कॉफी का किकोरी था, दोनों का मिक्सचर था, ठीक है. ये इसमें हमने क्या 5:2 की रेशियो लिया था, तो हमने ले लिया सपोज दैट वी हैव टेकन 5x केजी, वी हैव टेकन 2x केजी, दोनों को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा? 7x केजी. अब इसमें 250 का रेट से था, ये 75 के रेट से था, हमने सॉर्ट आउट किया 230 के रेट से. तो इसमें हमें कितना देना पड़ेगा? इतना 1250 रुपीज एक्स में रहेगा, 150x इसमें देना पड़ेगा. मिलेगा कितना हमें? अगर मिलेगा इतना तो जो हम दे रहे हैं दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस. जो हमें मिलने वाला है वो हमारा सेलिंग प्राइस. दोनों को कंपेयर किया, देखा हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो इसके में प्रॉफिट हुआ है, माइनस कर दिया. कितना प्रॉफिट हुआ? हमें ये मिल गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी 200 कर दिया, प्रॉफिट का परसेंट मिल गया. इजी ना? हाँ चलो, आप प्राची आपका क्वेश्चन भी बता देते हैं साइड में. प्राची आपका क्वेश्चन ये है कि पैरेललोग्राम है A, B, C, A, B. Angle bisectors हैं. हम लोग A, B, C. ऐसी A, E और C, A की तरह? ऐसी भी सब. तो ये have to prove that कि ये line जो है ना इसकी parallel है, इसमें prove करना है. Then what we have to do? We have to prove that कि आपका, अगर हम ये प्रूफ कर देंगे ये पैरेललोग्राम है. कौन पैरेललोग्राम है? ए एफ सी ई. इफ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट कि ए एफ सी इज द पैरेललोग्राम, देन आपका काम हो जाएगा प्राची. अब क्वेश्चन है इसका कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट कि ए एफ सी इज अ पैरेललोग्राम. उसके लिए हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अगर हम प्रूव कर देंगे इसके अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल है, या अपोजिट साइड प्रूव कर देंगे इक्वल है, डेफिनेटली वी विल प्रूव इट, है ना. तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे?
तो आप जानते हैं कि ये एंगल किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होगी। अब क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होता है तो इनका हाफ इक्वल होगा, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। सिंस 2x = 2y हमें पता है कि 2x 2y के बराबर होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो x = y, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको कॉन्टेंट कर देंगे, इससे एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल्स को कॉन्टेंट कर देंगे। सीधी सीधी से लिखेंगे दिस साइड इसको टू दिस साइड, ठीक है, आपका ये साइड इक्वल आ गया। अब इक्वल आ गया लेकिन हमें क्या करना है, पैरेलल करना है ना, हमें क्या करना है, पैरेलल करना है। अभी इक्वल तो आ गया, अब ये साइड इक्वल, आपको पता है कि ये बड़ा साइड इस बड़े साइड के इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर हमने ट्रायंगल को कॉम्प्लीट किया है तो ये इतना छोटा पार्ट भी इक्वल होगा, तो बड़े के से छोटा पार्ट भी इक्वल पार्ट माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट भी क्या होगा, इक्वल दिस पार्ट इज आल्सो इक्वल टू दिस वन। सी सपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द गिवन आपको क्या लगेगा, दिस इज इन टोटल इट इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को बोलते हैं लिखने के ए एंड सी एफ, ए इज पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। तो ये आपको करना है प्राची इस तरीके से, तो पहले जो ट्रायंगल कॉम्प्लीट करिएगा सीपी सीडी से इस लाइन को, इस लाइन को और इस साइड को, इस साइड इससे इक्वल कर लेगा, ठीक है, अपोजिट साइड्स आपको इक्वल मिल जाएंगे, आप प्रूव कर दीजिएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। सर ऑफ रखिए, हां बोलो सर, ये नीचे का नहीं दिख रहा है, इस क्वेश्चन का नीचे का पार्ट नहीं दिख पा रहा है, नीचे तो कुछ है ही नहीं बेटा। नो ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर प्लीज साइड, यस साइड ही साइड हो गया। हो गया, नोट कर लिया सभी ने, सर प्लीज साइड। यस चलें सर स्टार्ट करें, नेक्स्ट सबने नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट हम जब करने जा रहे हैं।
वो धर्मेंद्र सिंह आप जाने के टाइम पे आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, बहुत मजा आता है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस लगाने में। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें स्टेटमेंट बहुत अच्छी होती है, ये इंपॉर्टेंट। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बॉटल्स लिख देते हैं सीधा is equals to CP of 17 bottles. Is that clear? Find, find the gain percent, loss percent. ठीक है? ठीक है ना सभी को? अब क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोतल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 बोतल। चलिए स्टार्ट कर लो। अब हम इसके लिए इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, 7-8 वाटर बोतल का कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एसपी ऑफ 16 बोतल डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बोतल। तो अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बोतल को ले लेंगे 1 रुपीज, तो 17 बोतल कितना जाएगा, 17 रुपीज। आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू वांट टू गो विद द एक्स और यू वांट टू गो विद 1 रुपीज, है ना। 1 रुपीज से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और आप एक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या करना चाहते हैं, जस्ट टेल मी, किससे जाना चाहेंगे, एक्स से जाना चाहेंगे या उससे जाना चाहेंगे? वन से, चलिए ठीक है, वन 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 वन, यस अंडरस्टैंड हो गया कि वन से जाना है, आप लोग वन से जाएंगे। चलिए सो लेट यहां पे लिख लेते हैं, लेट द सीपी ऑफ वन बॉटल बी, यानी सीपी ऑफ वन बॉटल इज इक्वल टू 1 रुपीस, इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? सो सीपी ऑफ 17 बॉटल्स कितना होना चाहिए, रुपीज 70 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब क्योंकि 70 बॉटल्स का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बॉटल, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बॉटल्स, एक मिनट एक मिनट, ओके, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स दैट इज इक्वल टू किसके बारे में, 70 रुपीज, ठीक है ना। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं, एसपी ऑफ 16 बॉटल दैट इज इक्वल टू 70, सही कैसे लिख दिया? अभी आपने पढ़ा ना क्या है कि 16 बॉटल्स का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 17 बॉटल्स की कॉस्ट प्राइस की, और आपने निकाला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट इज 17 बॉटल 70 रुपीज है, तो हमने सिंपल कर दिया। लेकिन अभी हमने आपको ये भी सिखाया कि हम कंपैरिजन जब भी करते हैं तो ये दो नंबर्स क्या होने चाहिए, दैट विल बी ऑलवेज सेम, इसलिए मैंने उस दिन कहा था ये आपको बिल्कुल, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस द नंबर ऑफ क्वांटिटीज विल बी ऑलवेज सेम। क्रिश तिवारी को बाउंस कर गया, ₹17। लेकिन हम जब भी कंपेयर करते हैं कि दोनों नंबर सेम रहने चाहिए, हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बॉटल्स, क्योंकि जब हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हमारी दोनों कंपनीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बॉटल्स दैट विल बी इक्वल टू 16 रुपीस, क्योंकि वो एक रुपए की प्राइस है 16 बॉटल का, 16 रुपीस होगा। और इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेम क्वांटिटी में सेलिंग प्राइस ज्यादा दिखा रहा है, तो प्रॉफिट
इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 17 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 1 रुपीस का प्रॉफिट शो कर रहा है. सो प्रॉफिट परसेंट दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%. सो चलिए लगा लीजिए, प्रॉफिट कितना है 1 रुपीस का, सीपी कितना है हमारा 60 है इनटू 100%. ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए. सो 50 8 25 4, सो 25 by 4%. Is that clear? समझ में आपको सिर्फ यही करना है, एक बॉटल का एक लीटर हो गया तो 17 बॉटल का 17 होगा. 17 बॉटल का आपने निकाला सिर्फ इसी के लिए था, इसके लिए तो हमने किया सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बॉटल का हमने लिया. लेकिन हम कंपेयर करेंगे तो सेम नंबर से करेंगे, इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 बॉटल्स भी कैलकुलेट किया. तो Is that clear? This clear to all of you, no? समझ में आ गया? चलिए आज की क्लास फिर यही पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अब आप लोगों का टाइम हो रहा होगा किसी दूसरी क्लासेस का.